बड़ा रसदार भाई खा लो मोरा राजो जुलो भी तैयार भाई गज्जू कबाड़ी अपने मोहल्ले के तीन घरों में झांकता है। घर लौटता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। इन तीन घरों में रहने वाले ही हमारे सस्पेक्ट्स हैं समर। अरे गज्जू तो हमारे भाई जैसा था, हम उसे मारने का सोच भी नहीं सकते। तो मैं क्यों मारूंगी उसे? मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं था गज्जू से। मेरा कौन सा लेना देना था गज्जू से? ये साले ठुल्ले होते ही ऐसे, किसी की गलती किसी के सर फोड़ते। लाहौल वाला कुवत, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे जैसी धंधे वाली जब मोहल्ले में आई थी ना, तभी हमें अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। अरे ओ कोतवाल साहब, हम नवाबों की खानदान से हैं और आपने हमें ऐसी बाजारू लड़की के साथ एक ही कमरे में बिठा दिया, एक ही कमरे में सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया। ए बुढ़िया, बाजारू लड़की किसको कहा? हाँ तेरे बाप का खाती हूँ मैं, ये तेरी सुनूंगी? तभी राफिया बेगम रूपा, शांत हो जाइए और आपस में लड़ना बंद करिए। और ये सोचिए कि इन पुलिस वालों के पास कोई तो वजह होगी कि पूरे गली नंबर 7 में सारे मोहल्ले वालों को छोड़कर बस हम तीनों को यहाँ बैठा रखा है। समर। यस सर। वजह दिखाओ इन्हें कि ये सब यहाँ पर क्यों लाए गए हैं। ये क्या है? ये तो गज्जू है, तुम्हारे घर झांक रहा है। मेरे घर में नहीं, तुम्हारे घर में भी झांक रहा था। अरे ये तो कल का ही है, डेट देखो, कल ही तो झांक रहा था। ये तो साफिया। तो इसका मतलब है कि पुलिस वालों को लगता है क्योंकि गज्जू हमारे घरों में झांक रहा था तो उसका मर्डर हम में से ही किसी ने किया है। इसका मतलब ये लोग तब तक हमें नहीं छोड़ेंगे जब तक खूनी को पकड़ नहीं लेंगे। ये तो कल का नहीं है, 10 तारीख का है, मतलब कल से 4 दिन पहले का। क्या कोतवाल साहब, कोतवाल साहब, आप हमें गलत ले आए हैं। वो गज्जू हमारे यहाँ कल नहीं 4 दिन पहले झांक रहा था। अरे कोतवाल साहब, गली नंबर 7 ही क्या, पूरे नकाबगंज में हमसे ज्यादा इज्जतदार कोई मिल जाए ना तो बताइएगा। हमें क्यों बिठा रखा है यहाँ? जो भी पूछना है इन दोनों से पूछिए ना, जवान है अकेली है, पता नहीं क्या गुल खिला रही थी जो गज्जू ने देख लिया और इन्होंने उसे मार दिया। अच्छा, हम गुल खिला रहे थे और तुम क्या करती थी गज्जू के साथ? मैं तो कह रही हूँ तुम ही ने मारा है गज्जू को। क्या करने आता था हमेशा तुम्हारे घर? हाँ मैंने खुद देखा है, कल भी आया था ना वो। होश में रहकर बात करो माधुरी, जानती नहीं हो क्या, हमारे शौहर की मौत के बाद खर्चा चलाने के लिए हम हमारे खानदान की
पुरानी और कीमती चीजें बेचते थे गज्जू को, और सिर्फ इसीलिए आता था गज्जू हमारे यहाँ। और शराब? अरे पूरा मोहल्ला जानता है तुम दोनों की शराब की बैठकों के बारे में। भगवान जाने शराब के नाम पर क्या क्या होता होगा। शर्म करो, हम जैसी बुढ़िया आपके लिए ऐसी बातें बोलना। बुढ़िया ही हो ना, मर तो नहीं गई ना कि मशीन बंद हो गई है? अरे जो भी थोड़ी बहुत मशीन चलती होगी, खज्जू उसी से काम चला लेता होगा, क्या पता। भाई जैसा था वो हमारा भाई। भाई जैसा ही था ना, चार दिन पहले ही सही। छुपकर क्यों झांक रहा था तुम्हारे घर में? वो देख रहा होगा कि हम घर में हैं या नहीं। और किस लिए? वो शेर सुना है सर? कौन सा सर? वही कि तवायफ तो खामखा बदनाम है खान, बिकने का रिकॉर्ड तो इज्जतदारों ने तोड़ा है। सर वैसे मर्डर वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, ये देखिए आप। अजीब बात, गज्जू के बॉडी पर जो घाव मिले हैं वो इस चाकू से एकदम मैच करते हैं, मिला भी हमें ये क्राइम सीन पर। तो फिर इस पर ब्लड के ट्रेसेस क्यों नहीं है? सर ऐसा लगता है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद कायदे से सफाई करी इस चाकू की। रिसर्च डिपार्टमेंट से इस एंटीक चाकू के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ आया? अभी तक तो नहीं सर, दे आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन ललित यादव को हमारी टीम ले आए, वो कल शहर में नहीं था। ये होटल की रिसीट्स वगैरह है उसकी। ललित को डालो कढ़ाई में। और किस लिए? ललित तुम यहां? अब ये कौन है? वो मेरे मकान मालिक है। मकान मालिक? ललित जी आपको भी पुलिस वालों ने बंद कर दिया है, क्यों? अब कुछ भी छुपा के कोई मतलब नहीं। क्या क्या छुपाने का मतलब नहीं है? मतलब ये कि माधुरी मेरी किराएदार नहीं, मेरी दूसरी बीवी है। ला। और इसके बच्चे अमन का बाप नहीं। अरे बेटे मुझे तो लगा कि इज्जतदारों के मोहल्ले में मैं अकेली ही धंधे वाली हूँ, यहाँ तो हमाम में सब नंगे हैं। इस बुढ़िया को देखो, 60 साल की उम्र में जवानी एकदम छलक रही है, और ये महारानी, ये तो एकदम सीधा टाइलेट रखेल मन गई। अच्छा बच्चा पैदा कर डाला, वो भी किसी और के पति के साथ। इतने सालों दुनिया के डर से तुमने मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, अपने बच्चे को अपना नाम तक नहीं दिया, और अब ऐसे ऐसे चुटकियों में सब बोल दिया, सबके सामने ऐसे ऐसे नंगा कर दिया मुझे, कैसे ललित? मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, वो तो पुलिस को अमन के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से सब पता चल गया। जो उन्हें गज्जू की दुकान से मिला था। परसों गज्जू कबाड़ लेने आया था और तब ये रिपोर्ट कार्ड हॉल में ही थी, लेकिन उसने ये चुराई क्यों? सिंपल सी बात है, वो ब्लैकमेल कर रहा होगा आप लोगों को, और आप लोगों ने ही मार दिया उसे। बस पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बोल रही हो तुम? परसों उसे पता चला, उसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू किया और हमने उसे मार भी दिया। कोई बुलेट ट्रेन चल रही है यहाँ पे? ये ललित तो हमारा कातिल नहीं हो सकता। होटल की रसीदें इस बात का सबूत है कि वो शहर के बाहर। अरे ओ साहब, देख लिया ना आपने इज्जतदार लोगों की असलियत?
अरे मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था गज्जू के साथ। जो भी था ना इन दोनों का और इनका, मेरा कुछ नहीं था। मुझे जाने दीजिए। तुम्हें क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? क्या पता होगा बुढ़िया? पहले बुढ़िया बोलना बंद कर। खुद गज्जू ने हमें बताया था कि कैसे 50,000 रुपयों के लिए तुमने उसका जीना हराम कर रखा था। 50,000? किस बात के? पूछिए इनसे। गज्जू, तेरे बेटे में भले ही बुद्धि ना हो लेकिन कमर में पूरा जोर आ चुका है। इसीलिए तो तुम्हारे पास लेकर आए। कल पार्क में एक लड़की को देख के हरकत करने लगा। एक काम कर, महीने में 5 बार मेरे मसाज पार्लर ला। लेकिन गारंटी है मेरे पास आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। होता है तो बता वरना ठीक है, कोई बात नहीं है। गज्जू के बेटे की छलकती जवानी को 5 महीने से उधार में संभाल रही थी मैं, उसके ही पैसे मांग रही थी। अल्लाह, खून करके पैसे भी डुबा दूं और अपना जो रेगुलर कस्टमर है उनको भी खो दूं? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। सर, रिसर्च टीम की रिपोर्ट आ गई। ये खंजर ओरिजिनल नहीं, कॉपी है सर। एग्जैक्ट एक एंटीक खंजर की, जो काफी कीमती है और पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखने वाली चीज है और हमारे एक सस्पेक्ट की विरासत है। खंजर को पहचानता है आप में से कोई? नहीं। चलिए इसी नहीं तो कम से कम इस खंजर को तो आप पहचानती होंगी सफिया जी। आज हम आपको सुनाते हैं नवाबों के खंजर की कहानी, जिससे गज्जू का कत्ल हुआ और ये कत्ल किया है आपने, सफिया बेगम। आप ये कैसे बेहुदा बातें कर रहे हैं? बेहुदा बात नहीं, खालिस सच्चाई। ये खंजर हमें आपके घर से मिला है और इसके ऊपर गज्जू के खून के ट्रेसेस और आपके फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। इस असली खंजर की कहानी तो मैंने बता दी, अब इस नकली खंजर की असली कहानी आप बताएंगी या ये जहमत हमें उठानी पड़ेगी? लाखों की कीमत का है हमारा ये खानदानी खंजर, हमारा ये खानदानी खंजर। उस गज्जू की नजर थी इस पर, उसने कई बार हमसे कहा कि हम उसे बेच दें, पर हमने मना कर दिया क्योंकि हमारा ये खानदानी खंजर बेश कीमती है। लेकिन इंसान हमारे खानदानी खंजर को उस नकली खंजर से बदल दिया। 4 दिन पहले हमें जब इस बात का पता चला, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए उसकी धोखेबाजी, इसलिए हमने उसे हमारे घर बुलाया और उसे शराब पिलाई। फिर उसके पीछे पीछे हम भी चले गए। पहले उसे बेदम किया और फिर हमारे इस खंजर को ढूंढा और उस धोखेबाज इसी खंजर से कत्ल कर दिया। फिर हमारा खंजर लिया, निकल गए। क्या फायदा हुआ सफिया बेगम आपका ये खानदानी और बेशकीमती खंजर
जिसकी वजह से आपने कत्ल कर दिया, आपके पास तो रहेगा नहीं, किसी म्यूजियम की शान और विरासत बनेगा। फ्लिपकार्ट वीडियो पे आओ, वॉच प्ले विन नाउ।